आज हमारे लिए गौरव का बात है कि हमारा भारत देश में ये इंडिया का सबसे बड़ा कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनने जा रहा है। तो ये गौरव होने का जो मौका दिया है, ये हमारा प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज ने दिया है। लोअर डिमांड के लिए प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज है, इन्होंने अपने एंसेस्ट्रल लैंड को देश का हित में, राष्ट्र के हित में, ताकि हमारा देश प्रगति हो, इसके लिए न्यौछावर किया है। तो इसके लिए मैं पूरे प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है देश को। मैंने हमेशा से आपका ईडी से लेके एमडी, जितना भी एमडी वगैरह ईडीज वगैरह जिम वगैरह रखा है, मैंने उनको हमेशा बोला कि आप इस प्रक्रिया का, ऐसे प्रक्रिया का आप लोग जो है प्रोग्राम कंडक्ट कीजिए, सोशल अवेयरनेस एक प्रोग्राम कंडक्ट कीजिए, जहां पर पब्लिक को यह मालूम हो कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पब्लिक को क्या सेवा मिल सकता है एनएचपीसी का थ्रू। तो लेकिन मैंने ये देखा है कि काफी बार एनएचपीसी ने ऐसा मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं किया है, और आज हमारे आदमी को कंपेंसेशन जरूर हुआ है, लेकिन ये जो प्रोग्राम है कंपेंसेशन से पहले होना चाहिए। जब हमारा आदमी के साथ पैसा नहीं, उसी समय इसको अवेयरनेस कर देना चाहिए कि देखिए एनएचपीसी करीबन 30-35 हजार करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, जहां पर इतना सारा विशाल काम होगा, जिस पर आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, और उस पर इस प्रकार का प्रोग्राम बनाया जाएगा, नियमकरण बनाया जाएगा, आप अपना पैसा सेव करके इसमें पैसा को खर्च कीजिए। तो मैंने काफी बार रिक्वेस्ट किया है, मैं पर्सनली आज के दिन में मेरा जो एक जो मेन इश्यू है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के जैसे कि जो हजार करोड़ का जो बड़ा बड़ा चीज है, ये हम इसका छोटा लोग नहीं कर सकता है, ये करेगा बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट्स जो है, जैसे कि एलएनटी वगैरह ये लोग करेंगे। तो हमारा पीएफ के लिए क्या बचता है, जैसे कि अभी रिसेंटली मेरा जो बड़ा भाई राहुल मेमे जी ने जो प्रश्न किया, आपसे बहुत ही सीधा और एकदम सीरियस एक प्रश्न किया है, बिकॉज और जैसे कि अभी हम लोग का जो कोने भाई ने भी किया है, अगर दोबारा होगा तो थोड़ा पीएफ और लोकल का एक क्लैरिटी होना जरूरी, क्योंकि आपने गाड़ी में जो है योर पर्टिकुलर मेंशन फॉर गाड़ी की, ये हमारा पीएफ कर सकता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हमारा प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज के लिए जो छोटा छोटा मेंटेनेंस का काम है, ये सब काम है, इसको लोकल स्लैश मत कीजिए। आई वॉन्ट इट टू बी वेरी प्रिसाइज दैट बुक्स शुड बी ओनली फॉर एंड एलोकेटेड फॉर द प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज, दोस गोइंग सैक्रिफाइस द लैंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री, नेशन के लिए जिसने कहा, उनको एक ये होना है। मैं ऐसा जगह से बिलोंग करता हूँ जहां नेटवर्क नहीं लगता है, मैं ऐसा जगह से बिलोंग करता हूँ जहां में घर का केयर सेंटर नहीं है, मैं ऐसा जगह से बिलोंग करता हूँ जहां पर एक अच्छा एजुकेशन सेंटर नहीं है। इसलिए मैंने हमेशा सीएसआर में भी मैंने ये बोला है कंपनी को कि आप काइंडली सीएसआर एक्टिविटीज पे हमारा मीटिंग दिखाना बोली जो मेरा एरिया है वहां पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, लेकिन ये मीटिंग भी आज के दिन वहां पर होना चाहिए। अभी कितना मैक्सिमम जो बेनिफिशियरीज है वो कौन है, वो पैसा वाले लोग नहीं है, वो यहाँ ही नहीं रह रहे, दे आर देयर इन विलेज, खेती करके मजदूर करके खाते हैं, उसको क्या कॉन्ट्रैक्ट है, उसको फर्म में अभी आपने जो टेक्निकलिटीज जो बताया है, दे आर नॉट अवेयर, दे आर नॉट कंसर्न ऑफ द मैटर, उनको कुछ मालूम नहीं है। तो ये हम लोगों को वहां बस्ती जाकर उनको समझाना है कि ना भाई आपका पास एक फर्म है तो आपको हम लोग सर्वे का काम आप कीजिए। जैसे कि हमारे ये 313 प्रोजेक्ट में इट्स मोर देन लाइक 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो चल रहा है, मधुकोल पीसीएल वगैरह जो कर रहा है, तो उस समय भी मैंने हमेशा ये बोला है कि अगर हमारा बस्ती में हमारा लोकलिटी काम कर सकता है तो प्राइवेट शिफ्ट गिवन टू माय पीपल, ये हर जगह पे आया है। इसलिए मैंने बोला आई हैव सीन नर्मदा, आई हैव कितना सारा प्रोजेक्ट को मैंने स्टडीज किया है। तो मैं जैसे कि मधुकोल में छोटा कलवर्ट वगैरह जो दे देता है, चलिए कुछ लेबर रेट में हो या वैक्टू वैक रेट में हो, अभी हमारा यहाँ भी तो एलएनटी जैसा कंपनी आएगा, तो हम ये चाहता है कि हमारा मेन प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली से एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हो, जिसको हमारा राज्य सरकार अंडर द विजिलेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड ऑनरेबल डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो हाइड्रो पावर मिनिस्टर है, इनका निरीक्षण में हमारा एक कमिटी को अप्रूवल मिलना चाहिए कि ये लोग है कि सबसे पहले प्रायोरिटी इनको दिया जाए, पीपल और इनको जितना भी छोटा काम जो टेंडर नहीं होगा या जो जॉइंट कंपनी जो करेंगे टनल में करेंगे या जिनको सर्वे, ऐसा भी हम लोग को प्रायोरिटाइज करना है। और हम तो यह बोलते हैं कि हमारा जो एक्चुअल जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज है, लोअर दिबांग वैली और दिबांग वैली, हम लोगों को एक कमेटी, एक संगठन एक बनाना होगा, एक संगठन बनाने के दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन विल रिप्रेजेंट काम जितना है उसमें इक्वली अनिमी दिबांग वैली और लोअर दिबांग वैली का पीएफ साथ रहकर हम जोन में मैनेजर सीएम डीसीएम आपका एमडीईडी लेवल को भी देना है, ताकि जितने भी छोटा छोटा काम है वो जे
जेन्युइनली हमारा जो लोकल जो पब्लिक वहां पर है उनको मिल सके। अभी आज देखिए दुख का बात यह है कि हमने काफी बार मेरा जैसे कि मैं मानता हूं कि आज कहने का ये एनएपी से आगे इससे भी बढ़ा है, बिकॉज हमारे यहाँ में रोंटू साहब जैसा सीनियर एक मेंबर बैठा है, बड़े भाई जैसा, परमेश साहब जैसा, जिसने हम लोग को गाइड किया है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि एट लास्ट अभी ये तो काम काज का बात चल रहा है। अभी हमारा जो 5 बस्ती है, आलेली, एप्राली, एनाया, कानो, अभी ये सब जो बस्ती है ये सब सबमर्जेंस एरिया, इंडिया का सबसे बड़ा सबमर्जेंस एरिया यही जा रहा है, ठीक है ना। तो मैंने ये बोला है कि आर एन आर पॉलिसी भी डिस्कस लीजिए। अभी सिर्फ वी आर ओनली डिस्कसिंग ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। आर एन आर ने भी एक मीटिंग कराई बस्ती जाके कि आर एन आर का प्रक्रिया क्या है। इसलिए काफी बार मैंने लास्ट टाइम 2021 में जब ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हेड ऑफ मिनिस्टर है चौहान साहब, उनका नेतृत्व में उन्होंने टीम भेजा दिवानबिली में, और उस मीटिंग में हमारा विधायक मोपी जी भी विराजमान था, कुछ सेक्रेटरी भी विराजमान थे, एंड उसमें हमारा परमेश साहब लोग भी आया था। एंड डेट टाइम ऑल्सो आई सेड कि हमारा 2008 का आरएनआर पर पॉलिसी को रिन्यू कीजिए, क्योंकि ये आरएनआर पॉलिसी काफी पुराना हो चुका है, अभी 2022 है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि काम काज जो है वो आप यहां डिस्कस मत कीजिए, आप जो एक्चुअल प्रोजेक्ट या फिर फैमिली जहां पर सबमर्जेंस हो रहा है वहां जाइए। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि आरएनआर के इश्यू को लेकर बात कीजिए, बिकॉज आई हैव सीन दैट एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बस्तर एंड एनएचपीसी एंड मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, हमने देखा है ना। अब क्या स्थिति है, क्योंकि ऐसा एकत्रित होने का मौका दोबारा नहीं मिलता है, और समय का कोई कल परसों नहीं आ रहा है, तो क्या पता कल परसों दोबारा ऐसा मीटिंग हेल्ड होना हो। इसलिए मैंने हमेशा काम काज कभी भी जाके मैंने एनएचपीसी को ये नहीं कहा कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, नेवर। तो 2012 से भी मैंने ये बोला है कि अरे आप लोअर दिवानबिली में वह सीएसआर का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्सेप्ट नहीं किया है, व्हेन द प्रोजेक्ट इज ओनली स्टार्टेड आफ्टर दैट योर सोशल जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये फुल शून्य काम करता है। लेकिन कई बार जीएमएमबी ने कहा कि अभी तक प्रोजेक्ट रनवे नहीं है तो हम लोग एकोमोडेट नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको कितना सारा सीएसआर और लोकल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ग्रोइंग में होता है, हमारे दिमाग में क्या होता है, हमारा बस्ती जो डूब रहा है वहां क्या होता है, अब बताइए। तो मैं तो ये चाहूंगा कि इस बार आपके एमडी को एक मैसेज जा रहे हैं कि आरएनआर के स्पेशली इमीडिएटली एक मीटिंग बस्ती में कंडक्ट होना है, और ये जो काम काज को काज का जो ये जो इश्यूज है इसको पर्टिकुलरली जहां पे अफेक्टेड हो रहा है उनको लिस्ट आउट करके, जैसे अगर हमारा जो बड़ा भाई सोने भैया ने कहा कि लिस्ट आउट करके उनको बुलाइए, मीटिंग को बुलाइए, आपका ये काम है, वो काम है, इसको इस तरह से क्या करना है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम काम करें ना, है कि नहीं। लास्टली मैं यही अनुरोध करूंगा एनएचपीसी का कमेटी से, ये मेरा एक बहुत ही रिक्वेस्ट होगा मेरा बस्ती वाला लोग, क्योंकि मेरा बस्ती वाला बिचारा वहां खेती बाड़ी करके बहुत दुख का बात है कि वहां हम लोग को यहां आने का समय तक नहीं है बेचारा। अब ये स्थिति आप सोच के देख लीजिए, इसलिए काफी बार मैंने आवाज उठाया है कि आप बस्ती आइए, हाल चाल पूछिए, एक ढंग का हेल्थ सेंटर नहीं है, बीमार हो जाएगा तो जहां कहां जाएगा। तो इस विषय में भी मैं चाहता हूं कि अभी तो आपका प्रोजेक्ट सेंक्शन हो गया रिसेंटली, इकोनॉमिक टाइम तो इकोनॉमिक करीबन 33,000 करोड़ का प्रोजेक्ट सेंक्शन का भी काम चालू होगा। तो मैं यह चाहता हूं कि सीएसआर का जो सबसे पहला एक्टिविटी हो ये हमारा मिडिल दिबांग वैली में हो, वहां भी कम से कम एक ढंग का एक हेल्थ सेंटर आप बना दे, ढंग का एक स्कूल को मेंटेन कर दे कम से कम। अभी हम जैसा गरीब का बच्चा, हम बेसिकली मैं ऐसा फैमिली में बोर्न और ब्रॉट अप हुआ हूं जहां पर मैंने खुद स्ट्रगल करके देखा है, मेरा जैसा ही कितना लोग बस्ती में है जिनको ये बोलने से एजुकेशन है। अभी कितना सारा पब्लिक का मन ये है कि हमको ये बोलना है, बट एजुकेशन होने का कारण से, नर्वसनेस होने का कारण से ये दिल के पास नहीं होता है। तो आज आप ये मत समझिए कि हम भी मोरो अकेले ये आदमी बोल रहा है, आप ये सोचेंगे ऐसे बोल नहीं सोचे फैमिली जो सीरियसली हमारा आदमी जो सफर कर रहा है उसके अभी हम मैं बोल रहा हूँ, ये आप सोचिए। लास्टली मैं ये आशा करता हूँ कि हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, जिनका नेतृत्व में हमारा देश काफी आगे बढ़ा है, मैं ये सोचता हूँ कि उसका नेतृत्व में हमारा जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज हैं इनको काफी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री सिवाय सीएम पेमा खांडू जी के नेतृत्व में भी ये प्रोजेक्ट इस बार सक्सेस हुआ है। तो मैं ये भी सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं सीएम साहब भी सीरियस हैं हमारे प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज को लेकर,
और हमारे जो मैं लास्ट में धन्यवाद हमारा हम लोग पर मुचू मिट्टी जी हो गया और हमारे जो विधायक आनिनी के जो जांच है जिस विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूँ गोपी जी मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि ये सब का एक्सपोजर कोऑपरेटिव का कारण ही हमने देश को ये योगदान दे पाया है। तो इसलिए इसमें हर डे रिक्वेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच कि हमको इस मीटिंग होने का मौका दिया और कृपया करके नेक्स्ट मीटिंग आई विल एक्सपेक्ट और मैं वेट करूंगा कि यह हमारे जीवन के लिए हो प्रजा के जीवन के लिए।